Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you about how we communicate part 2. If you like my video, then like, share my video, and if you want to my new videos, then please subscribe my channel. So let's start. Yes, we can choose how we want to communicate with a person or with a few people. Okay? Yes, we can choose. हम choose कर सकते हैं कि हमें कैसे communicate करना चाहते हैं, जिससे हम बातचीत करना चाहते हैं, हम group में करना चाहते हैं, कि एक person से बात करना चाहते हैं, उसको यह हम पर depend करता है हम कौन सा means of communication use करते हैं, कौन सा choose करते हैं. Okay? So this is called personal communication. अगर हमें किसी एक व्यक्ति से बात करनी है, one person से बात करनी है, तो उसको उस communication को क्या कहा जाता है? Personal communication. Here are some ways we communicate with others. और यहाँ पर कुछ और तरीके हैं जो हम दूसरों से बात कर सकते हैं. Yes. वो कैसे कर सकते हैं? जैसे through inland letters, और postcard, by using postcard and aerogram. हम aerogram भी use कर सकते हैं दूसरी country में भेजने के लिए अपना message. Okay? और हम inland letter भी use करते हैं और हम postcard भी use करते हैं. Okay? To send our messages. But now these days, अब क्या है? अभी new modern time है, modern period है, all the modern facilities of communications are available to us. सारी communication की जो modern ways है, वो हमारे पास available है. We are lucky person. तो हम उनसे अब सारे messages instantly पहुंचा देते हैं दूसरों तक, और हम दूसरों से बात भी कर सकते हैं. Okay? So the postal service. अभी जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें क्या था? Postal service था. Of our country is the postal service of our country is called India Post. हम जो हमारी country की जो postal service है, उसको India Post कहा जाता है. There are nearly 155,000 post offices throughout the country. Okay? Yes. तो हमारी country में 155,000 post offices हैं. पूरी इंडिया में कितने offices हैं? Post office 155,000 offices are there in our country. By stamps, inland letters, postcards, and the stamped envelopes and aerograms from our post office. और हम ये सभी चीजें post office से खरीद सकते हैं. क्या क्या चीजें हैं वो? Postcard, stamped envelopes and aerograms. We can purchase from post office. We also send letters, postcards and greeting cards to our relatives and friends by post. और हम अपने लेटर्स हैं, पोस्ट कार्ड्स हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स हैं और वेडिंग कार्ड्स भी हैं, वो हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को पहुंचा सकते हैं और भेज सकते हैं बाय यूजिंग पोस्ट कार्ड्स, ओके, एनवेलप्स एंड इनलैंड लेटर्स एंड एरोग्राम्स. ओके? यस. और इन सब को पर क्या हमको पेस्ट करना पड़ता है? ये सभी स्टैम्प्स हैं. क्या है ये? व्हाट आर दीज? ऑल दीज आर स्टैम्प्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैम्प्स जो हम इस पे लगाते हैं, जो हम पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर्स एरोग्राम्स पर यूज करते हैं, इनको पेस्ट करते हैं, तभी जाता है. यस, इन सभी पर यूज किया जाता है. ये सब क्या है? स्टैम्प्स है. ओके? यस, दीज आर कैरिड बाय बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एंड समटाइम्स इवन बाय शिप्स. और ये सभी किन चीजों से लिया जा जाते हैं? इन सबको भेजने के लिए बसेस, बस में जाते हैं ये, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में जाते हैं, एरोप्लेन्स तो एरोप्लेन्स में जाते हैं, है ना? और बसेस और ट्रेन्स में क्या जाते हैं? इनलैंड लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स. ओके? दे रीच देयर डेस्टिनेशन इन अ फ्यू डेज. और वो जहाँ इनको जो इनका प्रॉपर प्लेस होता है, जहाँ पर जिनका एड्रेस लिखा हुआ होता है, वहाँ पर ये कुछ दिन में ही पहुँच जाते हैं. If we want letters and parcels to reach someone very quickly, we use speed post. और जब बहुत जल्दी हमको कुछ भेजना होता है, कोई मैसेज भेजना होता है, तो उसके लिए स्पीड पोस्ट को यूज किया जाता है. These reach any part of our country in 2 or 3 days. और ये सभी 2 या 3 दिन के अंदर पहुंच जाते हैं. We can also send money to someone through the post office. और हम इन सब चीजों को, और अब हम मनी भी, यानी कि पैसे भी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू. ओके? तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? यस, और इसमें जैसे मनी ऑर्डर किया जाता है उसके लिए, मनी भेजने के लिए. और ये लेटर बॉक्स है, इन लेटर बॉक्स में
जो हैं जिनको अपने पोस्ट कार्ड या एरोग्राम या इनलाइन लेटर भेजना होता है वो इसमें हम डाल देते हैं। यहाँ पर पोस्टमैन आता है, यहाँ से वो कलेक्ट करता है इनको ओपन करके, और वो जहाँ उनकी प्रॉपर डेस्टिनेशन होती है, जिस प्लेस का एड्रेस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सॉर्ट आउट करता है, वो छांटता है उन लेटर्स को अलग अलग अपने स्टेट वाइज या फिर कंट्री वाइज, और फिर उसको प्रॉपर डेस्टिनेशन के लिए भेज दिया जाता है।